राम जी, आईफोन खरीद के लेके आई हो क्या? अच्छा, किसके लिए? मेरे लिए आईफोन खरीद के लेके आई है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम आवर टू न्यू ब्लॉग गाइस। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं जिम पे हूँ, अभी ये अपना जिम है, बताया था आपको। और ये देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा खतरनाक। सर्दी पड़ने का कारण बताता हूँ आपको मैं। देखो थोड़ा सा आगे चलता हूँ और हमारे देखो यहाँ पे आगे चकाचक नहीं रोड बन गए, गाड़ियाँ ऐसे भगाते हैं बहुत तेज। तो हमारे पास में ये देखो, ये खेती कर रखी है और ये खेती के कारण यहाँ पे फुहारे चलते हैं, और फुहारे चलते हैं तो हमको ज़्यादा लगता है। तो गाइस, हमको तो सुबह पहले दावा खाता है। ये देखो, ये पहन के आता हूँ मैं जब जिम आता हूँ ना, तो अब एक ये पहन के आता हूँ, इसके ऊपर एक और पहन के आता हूँ, टोपा यानी मुंह पे बांध के, टोपा पहन के, हेलमेट पहन के फिर आता हूँ, क्योंकि सर्दी लगती है। ये गेहूँ बा रखे हैं, गेहूँ है कि सरसों है, क्या है ये पता नहीं, है क्या, कुछ तो है, ये कुछ तो बा रखा है इन लोगों ने। ये देखो खेती हो रखी है और दूर से अपना जिम ऐसा लगता है, और नई चकाचक रोड है, ये सीसी गाँव है, बड़ा देख के चलना पड़ता है इस रोड के ऊपर। तो गाइस अभी चलते हैं जिम के अंदर, देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कर रही है। चलते हैं नीचे, देखते हैं बच्चा पार्टी, मेरे बाहर निकलते हैं इनके वो हो जाते हैं। ये भाई पुशअप्स लगा रहा है, और देखो इस लड़के को सुबह पहले उठाते हैं ना इसको, ये ऐसे बोलता है कि बोले मैं जिम करता हूँ, डराता है मेरे को। ये देखो बाइसेप्स दिखा रहा है, और अच्छा सच्ची में। अरे ये लड़के के पास सुबह पहले फोन करते रहे, उठाता ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाता। अच्छे हैं यहाँ जिम पे आके गेट बजाना पड़ता तब जाके उठता है। ये हमारा बॉडी बिल्डर, इनका चेस्ट की है एक्सरसाइज, ये शोल्डर, एक दो की लेग की भी थी वो चले गए। और ये मैडम योगा कर रही है। जिम में कैंडिडेट तो आते हैं, लेकिन भाई को बड़ा मिस करता हूँ यार, मेरी जान था वो। चलो क्या बोलें आपसे, प्लीज़ चैनल पे सपोर्ट बना के रखो दोस्तों। ये पिछले कुछ दिनों में इतना डिस्टर्ब रहा मेंटली, इसी वजह से ढंग से ब्लॉग नहीं बना पाया, बट अब कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यार लाइक कर दिया करो, लाइक करने का सब्सक्राइब करने का तो पैसा तो लगता नहीं है। क्या बोल रही है तू? यस, मैं अभी जस्ट जिम से आया और ये भागी भागी आ रही मेरे पास। हेलो किटू, कलर, हाँ हेलो। ये कलर किसने की है, दीवार गंदी किसने की? भैया ने की, तूने की है? दोस्तों ये खुद से ऐसा नहीं करती है ना, और नाम बता देती है भैया का। और आज के लिए ना बहुत नकती हो गई, आज के लिए राम राम भी नहीं करती है ना। गाइस आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था क्योंकि पापा को डॉक्टर के भी दिखाना था, और कल उनकी BSNL की सिम बंद हो गई, तो उसको चल लू करवा के आना था। कल पापा बड़े परेशान हो रहे थे, बोले और मेरी सिम बंद हो गई ऐसे कुछ करके, तो उनकी सिम चल लू करवा के लाते हैं और उनको डॉक्टर के भी दिखा के लेके आते हैं। तो चलो कराते हैं आज आपको वैशाली का ट्यूर। वैशाली में BSNL एक्सचेंज चलेंगे और ग्लोबल हॉस्पिटल चलेंगे। चले पापा, चाबी दे दो गाड़ी। गाइस ये रही हमारी धन्नो। गाइस हम गाड़ी के कागज कंप्लीट रखते हैं, ये इसका इंश्योरेंस है, गाड़ी के कागज का है ये रहे, इसमें रख देता हूँ उसको, मैं भूल गया था इंश्योरेंस रखना। इंश्योरेंस रख के अब चलते हैं। हाँ पापा, गाइस गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब लेते हैं इसे बैक और चलते हैं पहले BSNL ऑफिस, फिर चलेंगे ग्लोबल हॉस्पिटल, फिर घर पे। तो गाइस निकल लेंगे हम वैशाली की ओर, दिखाते हैं आज आपको वैशाली सुबह पहले। गाइस पहुंच गए हम BSNL के उपभोक्ता सेवा केंद्र, और हमारी क्या सिम चेंज होगी, तो करवाते हैं सिम चेंज। प्रोसेसिंग पूरी होती है, पापा की फ़ोटो खींच रहे हैं जिससे कि सिम एक्टिवेट कर सके। 10 मिनट में हमारा काम हो गया, 50 रुपये लगे, सिम चेंज हो गई, और अब नई सिम मिल गई पापा जी को, 4G। पहले कटी हुई थी बहुत पुरानी, बाबा आदम के ज़माने की सिम रख रखी थी इन्होंने, उसको काट पीट के वगैरह, मैंने कहा था चेंज करवा लो लेकिन नहीं करवाई। चलो अब चेंज हो गई, अब चलते हैं हॉस्पिटल। गाइस 10 बजे वैशाली देखो कितना खाली खाली है, आज थोड़ा खाली खाली लग रहा है, वरना 10-10:30 बजे करीब यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। गाइस
गाड़ी खड़ी कर दी, अब जा रहे हैं नीचे, अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। कितने देखो सुंदर पेंटिंग है ना यहाँ पे। अब चलते हैं नीचे, पापा के नाम की पर्ची लेते हैं और फिर दिखाते हैं डॉक्टर को। गाइस दिखा दिया पापा को, अब चल रहे हैं घर पे। डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है, पापा पूरे 2 साल के बाद में आज डॉक्टर को दिखाने आए। वो क्या पर्ची से वही दवाइयाँ वापस ले लेते थे, तो 2 साल के बाद में आज इन्होंने डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास है, ओके है, तो दवाइयाँ ले ली और अब जा रहे हैं मैं और पापा घर पे। ये रहा ग्लोबल हॉस्पिटल और ये मेरी गाड़ी। चलते हैं। और देखते हैं अब हमारी किटुड़ी क्या करेगी। क्या करियो किटू? तोते को खाना खिला रही हो? कैसे? अच्छे राम राम। देखो तो इस आजकल पता नहीं इसको नजर लग गई क्या है, राम राम ही निकल। कैसे हो? बढ़िया। ये मिट्टू तो मेरे को दे दे। पापा के मोबाइल की सिम भी उसमें डाल देते हैं, चलो करा के आए हैं। पापा 2 दिन से परेशान हो रहे थे, बड़े सिम के चलते। गाइस नहा लिया धो लिया, खाना खा लिया और अब जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल में। इनकी छुट्टी होने का टाइम हो गया। देखो बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं। अरे तू उठ गई क्या? उठ गई है, मोबाइल देख रही है। चल राम राम कर दे। कैसे हो? हैं? तुलबुल को बोल रही राम राम करो। दीदी वो क्या बोली? राम राम करो इधर कैमरे में देख के। हाँ रितिका राम राम। हाँ हमारी रितिका की तबीयत खराब है गाइस और ये दवाई ले ली। दवाई लो। और ये देखो रसगुल्ला, ये देखो रसगुल्ला, खरगोश के दांत दिखा। ये देखो गाइस इसके खरगोश के दांत, खरगोश के दांत। और ये मोबाइल देख रहे हैं, दादी इनको कुछ कह ही नहीं रही। कहाँ जा रही हो तुम? बैग टांग के हैं? आईफोन खरीद के लेके आई हो क्या? अच्छा किसके लिए? मेरे लिए आईफोन खरीद के लेके आई है। अरे सच में इसमें तो मेरे लिए आईफोन है। वाओ वाह बेटा, और क्या है इसमें? अच्छा इसमें इसका चार्जर का ये भी है, केबल भी है। अरे वाह, और चार्जर भी खरीद के लेके आई मेरे लिए। थैंक यू। सारे रख दे। अरे तू तो मेरे को बेवकूफ बना रही है, इसमें तो फोन ही नहीं है। ये किसके फोन का डिब्बा लिए घूम रही है तू? है इसको रख दूंगा। ये बता तू मेरे लिए फोन तो लेके बोली थी, मेरे फोन लेके आई है तो फोन ही नहीं लेके आई है, तो खाली डिब्बा है। है वाह बेटा, तू तो मेरे को बेवकूफ बना रही है ना। है अच्छा क्या बोली तू? मेरे को पागल बनाया, बड़ा मजा आया। क्या बोल रही है खरगोश? दोस्तों देखो इसके खरगोश के दांत है। ये छोरी ओगन गारी, ओगनों की खान है, खान ओगनों की। थक गई क्या? हाँ। चल अब राम राम बोल दे। नहीं। बेइज्जती करेगी मेरी? हाँ। हैं? तेरे को मेरी बेइज्जती करने में बड़ा मजा आता है। हैं? नमस्ते चाहता ही बोल रही है तू? पिटाई करू तेरी जगत? पिटाई करोगे तेरी? एक खरगोश 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 कौन है? टाटी कर रही है। कैसी कर रही टाटी? है पाको पाकी। ये दोस्तों देख माँ की बुआ के टूर है ना, मम्मी जी बारह बेटे 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 फर माड़ा देख रही है, ऐसे देख रही है कि फर में वाले फर में कैसे बनाते हैं। इनकी टेक्निक चोरी कर रही है और फिर ये खुद है ना एक कारखाना खोलेंगी। है टेक्निक चोरी कर रही है। ये देखो बुआ कैसे ऐसे 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 हिल हिल के देख रही है। तू चोरी कर रही है? कहीं गिर जा।
और ये मम्मी को ये चिंता इस बेलड़ी की है, ये सूख गई। इसने एक सब्जी के नाम पे है ना लौकी की, एक इतनी सी लौकी नहीं होगी इसके, है ना, लेकिन मम्मी को चिंता है इसकी। क्या? हाँ। और गाइस पतंग उड़ना स्टार्ट हो गया, हमारी किटुड़ी को पतंग दिख गए। और ये हमारे आंवले का पेड़ है, ये पपीता का पेड़ है, पपीते के पपीता आ रही है और आंवले के आंवले आ रहे हैं। जिसको भी आंवले खाने हो हमारे घर पे आ जाओ, चढ़ो पेड़ पे, तोड़ो, हमारे लिए भी तोड़ देना, थोड़ा सा खुद के लिए भी तोड़ लेना। हाँ, मेरा गिफ्ट लेके आई है। तुम मेरे को क्या बोल रही थी? आप गेट खोलो, आप क्या हो, क्या हो आप? मेरे को क्या बोल रही थी तुम? कौन आदमी है? आप आदमी हो है? भाई हूँ। आप भाई हो क्या? आपको भाई बोलूं है? आदमी। चलो गेट खोलता हूँ आपके लिए, ठीक है? वो खुल गया। मेरे को क्या कर लेगा? मेरे को क्या करेगा? भूत पकड़ लेगा। गाइस मेरे लिए बड़ी प्यारी गुड न्यूज है, मेरे पापा ने मुझे मेरे को फोन दिया है। उनका पास फोन था तो वो यूज ही नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि बोले तू रख ले, तू तेरा यूज ले ले, जब मैं लूंगा तो मेरे को दूसरा दे देना। है मेरा फोन है ये बेटा, फोन तो अंदर रखा है। तो गाइस ये है वो फोन बापू का जो उन्होंने मुझे दे दिया। वो क्या कि एंड्रॉयड यूज करते हैं, वो क्या एंड्रॉयड यूज करते हैं, तो उनको समझ में बैठा नहीं उनके हिसाब से, बोले नहीं मेरे को नहीं सूट हो रहा, तो ये तू रख ले। पर मुझे क्या चाहिए था, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मैं भी हो गया। अब मैं दो दिन यूज़ करके देखूंगा, अगर यूज़ आता मेरे को सूटेबल होता है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैं एंड्रॉयड वाला आदमी हूँ यार, मेरे को आईफोन नहीं पसंद आते।